मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मैगजीनिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अज्ञात हमलावरों द्वारा एक महिला के ऊपर चाकू से वार किया गया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जिले के पांडेडी स्थित मैगजीनिया की रहने वाली सरिता देवी व उनके पति गोविंद वर्मा अपने खेत में सब्जी तोड़ रहे थे एवं सब्जी तोड़ने के बाद सरिता देवी ने अपने पति गोविंद वर्मा को सब्जियां देकर बाजार बेचने को भेज दिया। उसके बाद सरिता देवी अपने घर की ओर जाने लगी। इसी क्रम में मैगजीनिया के पास अज्ञात अपराधी सरिता देवी के साथ मारपीट करने लगे। वहीं जब सरिता देवी कुछ समझ पाती तभी अचानक उनके गर्दन पर चाकू से वार कर दिया गया और मौके से अपराधी फरार हो गए। इधर जोर जोर से कहराने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर इकट्ठा हुए तो देखा कि घायल सरिता देवी के गर्दन पर चाकू से वार के निशान है और दर्द से कहराते हुए घायल अवस्था में पड़ी है, जिसके बाद आनन फानन में लोगों ने सरिता देवी को एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल भेजा। वहीं सूचना पाकर SDPO अनिल सिंह व मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम सदल बल घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में लग गए। इधर बताया गया कि इलाज के दौरान घायल सरिता देवी ने दम तोड़ दिया अथवा उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद सदर अस्पताल में मातम पसर गया एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने मैगजीनिया स्थित सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन के समझाने बुझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। पूछ के बाबू भोरे उठ के गल भिंडिया तोरल बेटा अरे भिंडिया तोरी के निया भी कर अरे मारी दल करा सतवे पर बेटावा यहाँ बोना में मार ले बेटा घर उसका है पेंट पहले तोड़ के मोटरसाइकिल में लेके मार्केट चला आया और वो पीछे धामा उमा लेके आ रहा था। इधर मामले को लेकर SDPO श्री सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है, अपराधी जल्द ही पुलिस के कब्जे में होगा। कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। क्वानिटी में जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ आज एक घटना घटी, एक सावित्री देवी नाम की महिला की हत्या अज्ञात अपराधी द्वारा किया गया है, तो उसमें हम लोग अभी पता कर रहे हैं और जल्द ही इस कांड का खुलासा हो जाएगा और अपराधी पकड़े जाएं।